हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं फ्रेंड, आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। तो मैं आ गई हूँ किचन में और हो गई है सुबह, इस समय बज रहा है घड़ी में 8। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। और आज हम बनाने वाले हैं आलू का पराठा, जिसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे धनिया क्लीन कर लेती हूँ। तो धनिया को मैंने अच्छे से निकाली, क्योंकि धनिया अभी तुरंत फ्रेश ताज़ी धनिया आई है खरीद के, और धनिया क्योंकि ख़त्म होती रहती है तो स्टोर नहीं हो पाती है ज़्यादा समय, तो जब ख़त्म हो जाती है तो फिर से आ जाती है। तो यहाँ पे धनिया अभी तुरंत तुरंत आई, तो मैंने इसे जो है अच्छे से साफ़ करके अब इसे धुलने जा रही हूँ। तो धनिया धुलूँगी, धनिया की पत्ती धुल लूँगी अच्छे से, धुलने के बाद इसकी सारी मिट्टियाँ निकाल दूँगी। और अगर आपको लगे कि आपके पास टाइम थोड़ा कम है तो आप थोड़ा सा इसमें पानी डाल के रख दीजिए 10 मिनट के लिए, तो मिट्टी जो होती है अच्छे से फूल जाती है, फिर जल्दी से जल्दी आप इसको धुल करके साफ़ कर सकते हैं। कम टाइम में आप धनिया अच्छे से धुल सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे धुलते जाएंगे मिट्टियाँ निकलती जाएंगी। लेकिन जब आप पानी में थोड़ा सा भिगो देंगे तो मिट्टी अच्छे से फूल जाती है, तो 2 से 3 पानी में आपकी धनिया बिल्कुल क्लीन हो जाती है। और यहाँ पे मैंने धनिया रख दी थी, पानी इसका निथड़ गया था। उसके बाद मैं यहाँ पे इसके डंठल निकाल करके इसे कट कर लूँगी। सो फैमिली, अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों बिना सब्सक्राइब किए जो लोग देख रहे हैं फ्रेंड, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो आप लोग इसी तरीके से देखते रहें। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी धनिया कट कर ली है, यहाँ पे लहसुन डाल दिया, हरी मिर्ची डाल दिया है, नमक डाल दूँगी और बनाऊँगी चटनी, क्योंकि आलू के पराठे के साथ चटनी तो बनती है, तो चटनी बनाना तो बनेगा ही। तो चटनी हम यहाँ पर बना लिए हैं, चटनी देखिए बिल्कुल रेडी है। तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलाती हूँ, सिर्फ लहसुन मिर्चा धनिया नमक डाल के ही चटनी बनाती हूँ। कभी कभी जैसे टमाटर वाली जब बनाती हूँ तब अलग बनाती हूँ, क्योंकि चटनी तो बहुत तरीके से बनती है। तो यहाँ पे जो धनिया थी इसे मैंने कट कर लिया सारी, और यहाँ पे मैं हरी मिर्ची भी कट कर ले रही हूँ। आलू मेरी बॉयल पहले ही हो गई है तो अभी गर्म है, मैंने सोचा तब तक हम धनिया कट करते हैं, उसके बाद हो सकता है तब तक ठंडी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आलू मैंने यहाँ पे बॉयल कर, आलू बॉयल करने की, अगर जिन लोग को आलू बॉयल करना नहीं आता हो सही तरीके से, तो उनको मैं बताती हूँ। मैं कमेंट, मेरी वीडियो है आलू उबालने वाली, या मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ कि आप आलू को धुल लीजिए, धुलने के बाद कुकर में डाल दीजिए। उसके बाद जैसे मैंने जिस क्वांटिटी में आलू ली है इसमें आप लेते हैं, मैंने यहाँ पे आधा कप पानी डाला है, ज़्यादा नहीं पानी डाला है, और इसे धीमी तेज़ आँच पर एक मिसल देना है और धीमी आँच पर 2। आलू मेरी अच्छे से पक जाती है, और बिल्कुल भी पानी वाली आलू नहीं, तो बिल्कुल सूखी सूखी सी आलू होती है, जलता भी नहीं, क्योंकि इतना स्टीम बनाने के लिए आधा कप पानी बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पे जो है मैं अनियन डाल दी हूँ, आलू मैसर से मैश कर ली हूँ क्योंकि आलू बहुत ज़्यादा गर्म थी, और धनिया मिर्चा और प्याज डाल दिया है, नमक ऐड कर देते हैं और इसे मिक्स करके फिलिंग मेरी तैयार हो जाएगी। इधर मैंने आटा गूंथ करके रखा हुआ था, तो जैसे कि मैंने बताया कि जब भी मैं कोई ऐसे भरवा वाली चीज़ बनाती हूँ, ये आलू का पराठा हो या दाल वाली पूड़ी हो, तो मेरा आटा जो होता है थोड़ा सा गीला गीला सा होता है, तो मैं इस यहाँ पे भर करके इस तरीके से, मैंने कई बार दिखाया भी है आप लोग को कि हम आलू के पराठे या कोई भी चीज़ भरते कैसे हैं, तो सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। सो फैमिली, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, सब में शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आप लोग के सपोर्ट के बिना मैं आगे बढ़ने वाली नहीं हूँ, और जो हमारी बड़ी दीदियाँ हैं सबसे मैं अपना आशीर्वाद मांगती हूँ कि प्लीज़ आप लोग आशीर्वाद दीजिए, ताकि मैं इस यूट्यूब चैनल पर बनी रहूँ। और आप लोग को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगता है, पसंद आता है प्लीज़ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और यहाँ पे मेरा लंच रेडी हो चुका है, दही लिया है, चटनी है, दाल है, राइस है, आलू का पराठा है, तो आज का लंच कुछ इस तरीके से रेडी हुआ है। और मेरी 2 दीदी हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा हमको तारीफ़ की है, इसके लिए मैं थैंक यू सो मच बोलती हूँ। दीदी आप लोग हमारे साथ हमेशा बनी रहिएगा, कोशिश करेंगे कि हमारी और आपकी कभी ना कभी मुलाकात भी होगी। तो यहाँ पे शाम को बज रहे थे 6:30, और 6:30 पे आ गई थी सब्जियाँ, तो मैंने सब्जी से निकालना है, सबसे पहले मैं सब्जी को निकाल लेती फिर बाद में क्लीन करूँगी। तो यहाँ पर है शिमला मिर्च है, पतली वाली सेम है, लौकी है, मोटी वाली सेम है, यहाँ पर नींबू, हरी मिर्च, अदरक है, टिंडा है और गाजर है, और वहाँ पे ये क्या भिंडी है, और 2 सब्जी और भी पहले रख देते, यहाँ पे गोभी है, और इधर बोड़ा है, और लाल वाला बोड़ा, हरा वाला बोड़ा, खीरा, नेनुआ, इसे तोरी भी बोलते हैं हमारे यहाँ, नेनुआ बोलते हैं इसको, और ये बैंगन है, और यहाँ पे परवल है, धनिया की पत्ती है, टमाटर है, आलू है, प्याज है, बस यही सारी सब्जियाँ हैं, जिससे कि हम अच्छे से भी धो लेंगे, धो करके
हम इसे स्टोर करेंगे कुछ दिन के लिए, तो हम वीडियो स्टोरेज वाली दिखाएंगे आप लोग को। सब्ज़ी स्टोर कैसे करते हैं वो भी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है, और नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है मैं फिर से डालूं। वीडियो पसंद आए फ्रेंड वीडियो को लाइक कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।